तो इतिहास रचने जा रहा है आज उत्तराखंड विधानसभा में बिल पेश होने जा रहा है। यूसीसी बिल आज पेश किया जाएगा, सीधी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और पुष्कर सिंघानी क्या कुछ कहना है वो आपको हम सुनाते हैं। तो आज विधानसभा में देखिए यूसीसी का बिल पेश किया जाएगा। फिलहाल अंकित भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। अंकित, इतिहास में रचने वाला दिन है और खास तौर पर बड़ा दिन है, देखिए देश भर की निगाहें आज उत्तराखंड के सदन पर बनी हुई हैं। अंकित, आवाज मिल रही है क्या आपको? अरे तो वही तो कह रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है, थोड़ी ही देर में यूसीसी विधेयक पेश करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंघानी। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही जब हम कुछ बोलते हैं तो पीठ से आता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सुनने का काम करें, और जब इस तरीके का तो बिल पेश हुआ आज विधानसभा में, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि आज बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष की ओर से यह बड़ी बातें सामने आई हैं कि उन्हें इस ड्राफ्ट को पढ़ने का वक्त चाहिए, इसके बाद ही वो अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में दे सकेंगे। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं, आज विधानसभा में यूसीसी के बिल को पेश किया गया है, और साथ ही इस पर आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से कहा क्या कि हमें ये बिल, ये ड्राफ्ट पढ़ने का वक्त चाहिए, हम समझेंगे कि आखिर इस ड्राफ्ट में क्या कुछ लिखा गया है, इसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। फिलहाल इतिहास में रचने वाला आज का यह दिन जहां पर आज विधानसभा में इस बिल को पेश किया गया है, बिल अगर पूरी तरीके से पास हो जाता है तो इसके पास हो जाने के बाद बड़े बदलाव हैं जो हो जाएंगे। और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर बड़े बदलाव होने की बात सामने आई है, महिलाओं को खास तौर पर विशेषाधिकार जो अब तक बहुविवाह की प्रथा थी उस पर कहीं ना कहीं बदलाव की बात सामने आएगी, इसके साथ ही महिलाओं को विशेष अधिकार भी मिलेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर इतिहास रच गया और आज इसे पेश किया गया है, फिलहाल बिल पेश हो चुका है। अंकित हमारे साथ में, हमारे संवाददाता लगातार बने, अंकित आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। अंकित, बिल पेश किया क्या है और मुख्यमंत्री की ओर से बिल पेश किया क्या, लेकिन कांग्रेसियों का कहना था, विपक्षों का यह कहना था कि बिल पहले हम पढ़ना चाहते हैं, ड्राफ्ट कुछ पढ़ना चाहते हैं कि आखिर उसमें क्या कुछ लिखा गया है, क्या बदलाव होंगे, उसके बाद ही हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए आज उत्तराखंड विधानसभा में इतिहास रचा गया है, सरकार ने बहुप्रतीक्षित जो हमारा यूसीसी का बिल है उसको सदन में पेश कर लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय सदन की कार्रवाई में मौजूद है, और अभी आपने सदन की कार्रवाई में देखा कि किस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से हंगामा किया गया है। हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सारा संत हमारे साथ हैं, इसका वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो बड़ा ऐतिहासिक दिन है सर, सदन में पेश हो गया है, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया आपकी यूसीसी को? युवा मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, जो वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था, उन्होंने वो कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ जो ड्राफ्ट कमेटी है उसने बहुत पूरे समाजों के लोगों से बात करके एक सुंदर ड्राफ्ट तैयार किया है, विधानसभा के पटल पर है, मुझे लगता है चर्चा होगी, पता चलेगा ड्राफ्ट में क्या क्या है, तो सबके सामने ड्राफ्ट होगा। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है, ये जो यूसीसी है, अगर ये कानून के रूप में जिस तरह से लग रहा है हमें कि आज आ जाएगा, अगर आता है तो मुझे लगता है ये बढ़ते हुए भारत, विकसित भारत के लिए एक मजबूत कदम होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जिन देशों के अंदर यूसीसी लागू है उन देशों को अगर देखा जाए तो वहाँ समान कानून सबके लिए इक्वल है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, हर जगह एक ही कानून, वहाँ मुसलमान इबादत करते हैं, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, वहाँ सिख भी रहते हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, वहाँ किसी के मजहब को कोई दिक्कत नहीं, सब
लोग अपने अपने मजहब को मान रहे हैं, तो हम हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा। ये जो यूसीसी है ये बेटियों को ताकत देगा, बेटियों को समान अधिकार देगा, प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदारी देगा, बीवी को पत्नी को बराबर की हिस्सेदारी देगा। मुझे लगता है कि इससे महिला शक्ति ताकतवर बनेगी, हर समाज की बेटियाँ ताकतवर बनेंगी, और मुझे लगता है कि ये तो बहुत काबिले तारीफ कदम है। अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो मुझे लगता है कि हर कोई इसे हाथों हाथ लेगा, देश के तमाम प्रदेश इसे आत्मसात करेंगे। और मुझे लगता है कि जितना मैं अपने मुख्यमंत्री को जानता हूं, जितना मैं अपने प्रधानमंत्री को जानता हूं, अपने संगठन और अपने विचार को जानता हूं, मैं कह सकता हूं हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। मैं खुद मुसलमान हूं और मैं ये कह सकता हूं कि ये बिल्कुल भी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो विरोध करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उन चेहरों को देखिए, हमेशा हमारा विरोध करते हैं, वही चेहरे हैं वो जो हमेशा विरोध करते हैं, वही विरोध संख्या में। सर आप ही के धर्म से जुड़े हुए लोग आए, उन्होंने इसको पुरजोर विरोध किया है, तो आखिर फिर वो कौन लोग हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर उन्हें गौर से देखेंगे वो हर बार उस विरोधों में शामिल रहते हैं। हम जब कुछ करते हैं वो पॉलिटिकल विरोधी हैं, वहाँ कोई कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कोई अन्य अन्य दलों से जुड़े हुए, उनका काम विरोध करना है, जो सत्ता पक्ष करेगा वो उसका विरोध करेगा। इसी सोच के साथ तो कांग्रेस खत्म हो गई, इसी लाइन पर विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मजबूती के साथ किसी के इबादत करने को नहीं रोका जाएगा, किसी के कस्टम्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हाँ, जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी कि भाई जो बाकी बहन बेटियों के साथ देश की होता है वही हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा कई दिक्कतें हैं। जो नहीं समझ रहे हैं उनके साथ बैठेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ समझाएंगे, एक खूबसूरत उत्तराखंड का माहौल बनाएंगे। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड का माहौल खूबसूरत होगा तो देश का माहौल खूबसूरत होगा। देश मजबूत हाथों में है, न डरेंगे न डराएंगे, न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। लेकिन सर विपक्ष की तरफ से तो ये कहा जा रहा है आपने एज इट इज हिंदू मैरिज एक्ट को आपने उठा के इसमें रख दिया है और आप जानबूझ करके एक विशेष समुदाय के लोगों पे इसको थोपना चाहते हैं, इस पे महिला सशक्तिकरण की बात करके, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ आपको अभी पता चल पाया है, क्योंकि अभी ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं हो पाया तो कयासबाजी लगाई जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी ड्राफ्ट आ जाए तभी इसके ऊपर बता पाऊंगा, जब तक मैंने पढ़ा नहीं है तब अपनी आंखों से देख ना लूं, पढ़ ना लूं, उससे पहले मुझे लगता है किसी बारे में कहना मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है आप सदन में इतना बड़े उसको विधेयक को आप ला रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, विपक्ष को आप ड्राफ्ट नहीं दे पा रहे हैं? नहीं नहीं, विपक्ष भाग रहा है, ड्राफ्ट दे नहीं पा रहे। ड्राफ्ट विपक्ष के लिए तो सदन में होता है कि वहां चर्चा हो, एक दिन हो, दो दिन हो। मैं एक समय से पहले कैसे दिया जाता है, जब समय होता है विधानसभा सत्र में जब पटल पे रखा जाता है वो पटल की अमानत होती है। आप किसी चीज़ के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उसके ऊपर राय आती है, इतनी मेहनत हुई है, इतना कितने पन्नों का वो ड्राफ्ट है, उसे ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं दे देंगे। और हमने कहा कि आप सदन पे आइए, सदन पे उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। वो कह रहे हैं हमें पहले कॉपी दो, कॉपी हम सार्वजनिक कर दें, बाद में फिर कहानियां बताएं, ये वाली लाइन नहीं होती है। हम ये कह रहे हैं कि आप डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन से भाग रहा है विपक्ष। विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पक्ष में जाएं कि विरोध में जाएं, कन्फ्यूज है विपक्ष, इसलिए बहाने तलाश रहा है भागने के। मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष भागने लगे तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष तो आप लोगों को कह रहा है कि आप कार्यस्थगन प्रस्ताव भी नहीं लाने दे रहे, प्रश्नकाल भी नहीं चला रहे, तो फिर आप कैसे सत्र को डिबेट करने के लिए कह रहे हैं? आप जिस मुद्दे पे जो यूसीसी रखा जा रहा है उस पर डिस्कशन कीजिए ना सदन में, अपना पक्ष रखिए ना, जो कमियां हैं उन्हें सामने रखिए, उस पर कहिए हमें और समय चाहिए। आपने तो डिस्कशन से पहले विरोध शुरू कर दिया। डिस्कशन से पहले विरोध नहीं होता, जब तक आपके पास कोई चीज आई नहीं है, आपने उसे देखा नहीं है, पहले विरोध करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है ऐसा विरोध नहीं होता, ये पॉलिटिकल विरोध है। इस पॉलिटिकल विरोध से विपक्ष को हम कह रहे पढ़ के विरोध कीजिए ना, और खुल के विरोध कीजिए, विरोध भी नहीं करेंगे। अभी तो मैं बड़े नेताओं को कांग्रेस के सुन रहा था, कह रहे थे नहीं हम यूसीसी के समर्थन में, तो यूसीसी के समर्थन में है तो बता दीजिए, ये नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं ये नहीं चलेगा, कुछ लोगों के सामने को हम विरोध में, कुछ लोगों के सामने को हम समर्थन में, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। क्लियर कीजिए विरोध में है कि समर्थन में। एक अंतिम प्रश्न है, चूंकि आपने अभी खुद बताया कि आप इस धर्म से आते हैं, अब जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उनसे चिंता करने की जरूरत है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ किसी मुसलमान को 1% भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के मजहब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, जो मजहब के लिए ज़रूरी चीज़ है, मैंडेटरी है, उनके साथ कहीं किसी का छेड़छाड़ नहीं है। हाँ, जैसे तीन तलाक था, तीन तलाक का विषय आया, आज तमाम जिम्मेदार लोग, तमाम बहन बेटियाँ कह रही है तीन तलाक के आने से, तीन तलाक वाले विषय पर कमी आई है वो कानून आने से, तो ये है मुस्लिम समाज की बेटियों के लिए अच्छा है। यस, और हम ये कह रहे हैं देश के अंदर किसी भी समाज में अगर कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए, जो कमियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए, और दिक्कतें और जगह भी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल
बिल्कुल नहीं है किसी के अधिकारों से छेड़छाड़, सभी समाज के लोगों को। मैं कह रहा हूँ सबके यहाँ दिक्कतें थी ना, हिंदू मैरिज एक्ट ऐसे तो नहीं आया होगा, बहुत सारी कुरीतियाँ थी ना, तब तो हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसके बाद उसमें भी अभी बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तब तो UCC ला रहे हैं। सबके लिए बराबर है, जो मेरी हिंदू बेटी होगी या हिंदू बहन होगी, जो कानून उसके लिए होगा वो मुस्लिम बहन के लिए होगा, वही सिख बहन के लिए होगा, वही क्रिश्चियन बहन के लिए होगा, तो इसमें क्या बुराई है? या तो हम कह रहे हो नहीं आपके हम हकों को घटा रहे हैं, तब तो समझ में आता, 50% शेयर मिलेगा बेटियों को और ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, बाप के नाम से बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी दर्ज हो जाएगी जैसे बेटे के नाम पे होगी। अच्छा है कि बुरा? जो पालन नहीं करेगा, जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ दंड की संहिता में धाराएं मुकदमे कायम होंगे और उसको पेनल्टी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये अच्छा है बेटियों के लिए कि गलत है? बेटियों को अधिकार मिलने चाहिए, यस। और अगर कहीं दिक्कत होगी मुस्लिम समाज में तो हम बैठेंगे ना, हम ये कह रहे हैं हम मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगे, समझेंगे भी और समझाएंगे भी, जो उनकी दिक्कतें होंगी उन्हें भी समझेंगे और जो दिक्कतें हमारी हैं वो भी समझो, बीच का रास्ता निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने की, बहुत धन्यवाद, समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गरिमा, आपने सुना उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब समजी, जो कि UCC को के समर्थन में हैं, और उनका कहना है कि जो विपक्ष की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, असल में सरकार चाहती है कि UCC के माध्यम से एक छत के नीचे जो तमाम नागरिक हैं उनके लिए एक कानून बनाया जाए और विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जाए, महिलाओं के अधिकार को और अधिक बढ़ाया जाए, उसको एक समान लाते हुए पुरुषों के भांति महिलाओं को भी उसमें अधिकार मिल सके, उसमें चाहे संपत्ति का अधिकार हो, चाहे फिर वो बहुविवाह को ख़त्म करने की बातें हों, चाहे फिर वो अन्य बातें हों, ये सारे प्रावधान जो है वो UCC में किए गए हैं। फिलहाल ड्राफ्ट में क्या है ये अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें लगता है कि यहाँ से उत्तराखंड से UCC की शुरुआत हो रही है, तो निश्चित ही अब पूरे देश भर में UCC का मुद्दा गरमाएगा और लगातार बिल्कुल देश भर में UCC को लेकर चर्चा हो रही है। बिल्कुल अंकित जी कह रहे हैं आप, और देखिए जिस तरीके से अभी कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है कि हमें ड्राफ्ट की कॉपी नहीं दी गई है और बिना ड्राफ्ट को पढ़े हम कोई भी अपनी प्रतिक्रिया कैसे दें, तो जो प्रोसीजर होता है क्या जब विधेयक पेश किया गया है तो ऐसे में क्या जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसकी कॉपी विधानसभा में मौजूद विधायकों को सौंपी जाएगी, अंकित ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि हरीश रावत ने तक ये बात कह दी है। बिल्कुल गरिमा, यही सवाल है, विपक्ष की तरफ से यही सवाल को उठाया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री के पास वो ड्राफ्ट आ गया है और कैबिनेट में भी उसको पारित कर दिया तो हमें सत्र से पहले क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सरकार जब पहले विधानसभा में इसको पारित करेगी उसके बाद सबके सामने सार्वजनिक होगा, तो दोनों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में गरिमा, आज उत्तराखंड में सरकार ने इस बिल को पेश कर दिया है और देर शाम तक उत्तराखंड की विधानसभा से इसको पारित कराया जाएगा और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द UCC राज्य में लागू हो, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है खुद सदन की कार्रवाई में पूरे दिन भर रहने वाले हैं और UCC का महत्वपूर्ण आज का दिन है और सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें आज उत्तराखंड विधानसभा के इस सत्र में है। निश्चित ही हमें लगता है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले UCC को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज कार्य स्थगन प्रस्ताव कोई प्रश्नकाल कुछ नहीं है, सिर्फ UCC का एक मुख्य एजेंडा है जिसमें कि आज पूरी तरीके से विधानसभा के जो तमाम सदस्य हैं वो इस पर पक्ष विपक्ष में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे और सरकार चाहती है कि आज देर शाम तक UCC को पारित कराने की दिशा में सरकार आगे बढ़े। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आज जो विधेयक है वो पेश कर दिया गया है। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया बिल और सदन में जय श्री राम के नारे भी लगे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जय श्री राम और वंदे मातरम के बीच बिल पेश हुआ है, समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, फिलहाल सदन की कार्यवाही सबके बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी गई है। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल पेश किया है।